दोस्तों हेल्थ के मामले पर राजेंद्र गौरी जी बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। ये बताने वाले हैं, ये आप जो है ये वाला पॉइंट बता रहे थे ना। अच्छा, वो पहले वो बताएंगे। मैं बताने वाला हूँ जो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है जी, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। ये पॉइंट जो है यहाँ पे जो घुटने के जो ये टखना है नी जॉइंट का, वहाँ से चार अंगुल नीचे लेना है। ये हड्डी आ गया, यहाँ से एक अंगुल बाजू में लेकर के आपको यहाँ पर दोनों पैरों में प्रेशर देना है। प्रेशर प्रेशर जो है उनके स्वभाव के हिसाब से देना है। इसको अगर आप प्रेशर करते हैं देते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम, एसिडिटी का प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा। और यही पॉइंट पे आपको दबाने के बाद आप और 3 से 4 किलोमीटर नहीं जा सकते तो भी जा सकते हैं। अगर आप घुटने में अगर आपके तकलीफ नहीं जा सकते, इसको दबाने के बाद आप 4 किलोमीटर और जा सकते हैं। इस पॉइंट को लगभग 2 मिनट आपको दबाना है। एसिडिटी के बारे में सबसे पावरफुल पॉइंट है और यही पॉइंट मैं आपको पेट में दिखाता हूँ। ओके। जो इसको चून में दबाया जाएगा तो 4 चून होता है मध्य भाग में, यहाँ पे आपको 4 उंगल से ऐसा धीरे धीरे दबाना है। ओके। 10 से 15 बार आप धीरे धीरे इसको दबाए ताकि उसको तकलीफ नहीं हो, ऐसा इस तरह। और यहाँ पर भी नाभि का जो भाग आ जाता है, इसपे 3 अंगुल दोनों तरफ छोड़ करके इस 2 पॉइंट को आपको दबाना है इस तरह धीरे धीरे। हाँ। और इसी के 4 अंगुल आप ऊपर लिख करके इस 2 पॉइंट को और दबाना है धीरे धीरे। आप अपने हिसाब से दबाइए, सामने वाले को तकलीफ न हो इस तरह। पेट से ये 5 एसिडिटी। हाँ जी सर, ये एसिडिटी का पॉइंट है। एसिडिटी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, और डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम हो, सब ठीक हो जाता है। इससे आपका एसिडिटी लेवल में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। बहुत अच्छा। नमस्कार करता हूँ सर। धन्यवाद।